अमेठी के बहादुरपुर में आवारा पशुओं के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने पशुओं को पशु चिकित्सा केंद्र में किया बंद। अधिकारियों में मचा हड़कंप। फसलों के नुकसान को लेकर किसानों में गुस्सा। बड़े विरोध की दी चेतावनी। अयोध्या में सोमवती अमावस्या को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। ब्रह्म मुहूर्त में सरयू में स्नान को उतरे लाखों लोग। मंदिरों में पूजा और दान पुण्य के लिए जुटे लोग। पुलिस ने किए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग की नई पहल। सरयू नदी में नौका विहार करने वाले पर्यटकों के लिए डॉल्फिन भी दिखाने की तैयारी हुई शुरू। WWF के माध्यम से डॉल्फिन को लेकर करवाया गया सर्वे। लोगों में उत्साह। सुल्तानपुर के चांदा में विवाहित महिला के लापता होने से परिजनों ने पुलिस में की शिकायत। ससुरालजनों पर लगाया षड्यंत्र रचने का आरोप। पुलिस ने शुरू की जांच। सुल्तानपुर के चांदा और प्रतापपुर कमेचा में पोटेदार ने किया ग्रामीणों को राशन कार्ड वितरित। उपभोक्ताओं में खुशी। सैकड़ों लोग रहे मौजूद। सुल्तानपुर के लंबुआ में उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन से सेवानिवृत्त उप जिलाधिकारी के लिए विदाई समारोह रखा गया। विदाई समारोह में सैकड़ों लोग जुटे। उप जिलाधिकारी रमेश कुमार शुक्ल को लोगों ने पहनाई माला। दिया स्मृति चिन्ह। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी की संपन्न हुई बैठक। केंद्र सरकार के पेश किए गए बजट का विरोध करते हुए उसको बताया गया जुमला। कार्यकर्ताओं ने 2019 की तैयारी को लेकर तय की रणनीति। बाराबंकी के भगोली गांव में एक नहर में दिखी डॉल्फिन। वन विभाग और मत्स्य पालन विभाग के संयुक्त टीम ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। सकुशल डॉल्फिन को निकालकर घाघरा नदी में पहुंचाया गया। देखने के लिए सैकड़ों लोग जुटे। बाराबंकी के असदामऊ में एक स्कूली बस और ऑल्टो कार में आमने सामने हुई टक्कर। दो लड़कों की हालत नाजुक। एक की इलाज के दौरान मौत। कोहराम मचा। अमेठी के शुक्ल बाजार में अंदीपुर स्थित हनुमान जी के मंदिर में आने वाली 8 और 9 फरवरी को पुनः हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। शुरू की गई रामकथा और किया गया भंडारे का आयोजन। भारी भीड़ जुटी। अमेठी के जगदीशपुर में कांग्रेस पार्टी के जिला प्रवक्ता चौधरी जव्वाद ने मीडिया और कांग्रेस पार्टी के आपसी तालमेल के लिए आयोजित की बैठक। कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। सैकड़ों लोग भी शामिल। बाराबंकी के फतेहपुर रोड पर दो मोटरसाइकिल्स की हुई आमने सामने टक्कर। चार लोग बुरी तरह से हुए घायल। एक लड़की की हालत नाजुक। अस्पताल में चल रहा है इलाज। बाराबंकी में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद PL पुनिया के बेटे तनुष पुनिया ने आयोजित की रैली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल हुए शामिल। भाजपा पर साधा निशाना। 2019 के चुनाव को लेकर किया लोगों को संबोधित। हजारों लोग जुटे। रायबरेली के बछरावा के मालपुर गांव में 3 दिन से लापता विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। मृतक महिला के पति ने लगाया गांव के ही युवक पर हत्या का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। सुल्तानपुर में यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने और जनता को जागरूक करने के लिए स्कूली बच्चों ने आयोजित किया नुक्कड़ नाटक। गांधीगिरी करते हुए बिना हेलमेट लगाए बाइक सवार और बिना सीट बेल्ट लगाए कार चालकों को दिया गुलाब। भारी भीड़ जुटी। सुल्तानपुर में आवारा पशुओं को लेकर चलाई गई योगी सरकार की मुहिम हुई फेल। खुलेआम लंबुआ बाजार में छुट्टा घूम रहे हैं आवारा पशु। किसानों और दुकानदारों में बड़ा गुस्सा। अधिकारी साधे हैं चुप्पी। सुल्तानपुर के सभागार में आयोजित हुआ SFI का 20वां जिला सम्मेलन। छात्रों की कई मांगों को लेकर निकाला गया जुलूस। किया गया झंडारोहण। दी गई शहीदों को श्रद्धांजलि। सैकड़ों लोग जुटे।